में कैबिनेट मंत्री जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शर्मा साहब बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। शर्मा जी, ऑपरेशन लोटस लग रहा है कि कांग्रेस ने उसको फेल कर दिया। लोटस से ऑपरेशन पंजा जी ज्यादा भारी है जी। तो क्या स्ट्रैटेजी रही, रणनीति क्या रही जिससे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी? देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार पूरी साख के साथ चल रही थी, सभी वर्गों के लिए काम इसमें हो रहे थे, किसान से लेके गरीब आदमी से लेके उद्योगपति और माफिया के खिलाफ कार्रवाई, इससे बीजेपी परेशान। उसको लगा कि इस तरह कमलनाथ जी की सरकार चलती रही तो हम लोगों का आगे क्या होगा, करने का कई बार प्रयास किए, इस बार भी किए। और जो लोग में जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही थी और जो सामने आ रहे थे मामले जिसमें जेल जाना पड़ता, जो भ्रष्टाचार 15 साल में किया है उसके रिजल्ट आ रहे थे, तो उनने सोचा कि जो पैसा कमाया इसमें से 35-35 करोड़ विधायकों को बांटो, बैलेंस दो, षड्यंत्र करो, ये सब किया। लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो वीडियो नरोत्तम मिश्रा का उसने जाहिर कर दिया और पूरा का पूरा षड्यंत्र का जो है वो खुलासा हो गया है। ये कार्यशैली है बीजेपी की, प्रजातंत्र नहीं, मजबूरी की सरकार करोड़ जनता ने पर ये स्वस्थ करना चाहते हैं, लेकिन अच्छी नहीं होगी। जब भी अच्छी घड़ियां आएंगी कांग्रेस कमलनाथ जी की सरकार और मजबूत होकर उभरेगी, अब ये और मजबूत होकर उभरेगी। ठीक, आपके जो विधायक जो बेंगलुरु में है उनसे संपर्क हो गया है? वो भी संपर्क में है कमलनाथ जी के, दिव्य सिंह के बाकी भी संपर्क में है, जो थे 3-4 वो आ भी गए, वो भी अभी खुलासा करेंगे पूरा, एक एक चीज सामने आ रही है। और जो नरोत्तम मिश्रा का जो वीडियो है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उसमें भी हम जाएंगे, एक एक करके एक एक चीज से निपटेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार और मेरे सहयोगी निर्मल सिंह बैस जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। निर्मल शर्मा जी नमस्कार। जी सर, शर्मा जी एक ही सवाल यहाँ पे उठता है, आपकी सारी बातें सही हैं, बीजेपी षड्यंत्र कर रही है और शुरू से ही सरकार को स्थिर कर रही है, लेकिन जो एपिसोड सामने आया है ताजा राजनीतिक घटनाक्रम, आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना घर नहीं संभाल पा रही है? नहीं, पूरी तरह से संभाल रही है, घर संभालने में कहीं कोई परेशानियां नहीं है। अगर परेशानी नहीं तो विधायक क्यों आपके दिल्ली और बेंगलोर चले गए? इनकी सरकार है, कई राज्यों में उन्होंने इस तरह की कोशिश की, और गोवा में और कर्नाटक में अरुणाचल प्रदेश में, ये भूल रहे हैं कि यहाँ कमलनाथ जी है। तो कमलनाथ जी वैसे भी मैनेजमेंट के गुरु हैं और निश्चित तौर पर पहले जब प्रयास किए थे तो 2 विधायक इनके साथ आ गए, इस बार 8-10 साथ आएंगे। वो परेशान है, वो कह रहे हैं कि वहाँ तो 35 लाख देने की बात, 25 करोड़ देने की बात हो रही है या 5 पैसे देने की बात नहीं हो रही। शर्मा जी तो अपने विधायक एक सवाल किए, एक संतोष बीजेपी में पैदा कर। एक सवाल शर्मा जी यहाँ जरूर उठता है, आपके प्रदेश प्रभारी 2 दिन मौजूद रहे और उनका मुख्य एजेंडा ये था कि मंत्रियों से जो नाराजगी है विधायकों को वो है वो रहे, आपको लगता नहीं है कि ये सब कवायद कर रही है? तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अपना ही घर नहीं संभाल पा रही? आपके विधायक दिल्ली और बेंगलुरु तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे? ये देखिए, ये इनके षड्यंत्र रचने में बीजेपी माहिर है जी, षड्यंत्र शामिल होना भी गुनाह है। इस देश के अंदर षड्यंत्र जब भी रचे हैं किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा, ये बीजेपी और आरएसएस के द्वारा किए हैं, और इस बार भी ये इसके पहले भी किया, इससे पहले भी किया, पर सरकार और हमारे नेता सब प्रजक हैं, ये कहीं सेंध लगा नहीं पाएंगे और सरकार और मजबूत होकर। चलिए शर्मा जी, हम भी चाहेंगे कि कमलनाथ सरकार मजबूती के साथ 5 साल पूरा करे, क्योंकि जनता भी चुनाव का बोझ नहीं चाहती है और हम ये उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस अपना घर आगे मजबूत बनाए रखेगी। निश्चित तौर पर होगी और बहुत मजबूती से काम और होगा, जो पूरे विधायक साथ हैं और विधायकों के जो बताते हैं आदेश देते हैं, मैं भी मंत्री हूँ, कोई ऐसा विधायक नहीं कह सकता कि हमारा ये काम नहीं। शर्मा जी, सारे विधायकों से संपर्क नहीं लगा सकता? सारे विधायकों से संपर्क हो चुका है आपका, आपकी पार्टी का संपर्क हमारे, हम लोग हैं, हमारे नेता संपर्क में हैं और कहीं कहीं संपर्क में। मीडिया बड़ा परेशान है, फोन लगाओ तो स्विच ऑफ जा रहे हैं सबके। नहीं,
हरदीप सिंह वही शर्मा जी को किडनैप कर दिया जाएगा जी। आप तो वीडियो देखी ना सर जो नर्सा आया है नर्सम मिश्रा जी का किडनैपिंग का मामला भी दर्ज कराया जा सकता है उसमें एक बार में। शर्मा जी हरदीप सिंह डंग भी पिछले 24 घंटे से लापता हैं, उनसे बातचीत हुई क्योंकि हुई है आप लोगों की क्या? देखिए मैंने कहा ना जब ऐसा मौका आता है तो ये जो लायक कहीं किसी उसमें है बंधक में ये अपना कहीं तरीका से डाल के बात करते हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ हाँ बात हो रही है ठीक मुख्यमंत्री जी बात हो रही है दिव्य सिंह जी। हाँ ये बता देते हैं हम किसी स्थितियों में फंसे हम निकल के जैसे ही आएंगे तो आपसे संपर्क में आएंगे। हाँ शर्मा जी आप शायद मेरा सवाल एक बार सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि विधायक को किडनैप किया गया, विधायक को पीएसओ मिलते हैं, पूरा सुरक्षा घेरे में रहते हैं, सर हाउ कैन दैट पॉसिबल कि मतलब एक सुरक्षा घेरे से विधायक को, आपकी पार्टी के विधायक को किडनैप करके ले गए? तो बड़ा सब इस बात से कुछ भी कर सकते हैं ये इनका ये काम करने का तरीका रहा है या भोपाल में नहीं है ये मध्य प्रदेश में नहीं है जी 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 तो ये दिल्ली में है और वही लेन देन भी जो है हो रहा है वीडियो आ गया ना तो मैं समझता हूँ आपको इसमें ज्यादा सवाल कुछ नहीं थी बिल्कुल बिल्कुल वीडियो को बताना चाहिए जनता को। हाँ तो मतलब सरकार पूरी तरह से स्थिर, ऑपरेशन लोटस फेल, पंजा ऑपरेशन पंजा भारी, पंजा ऑपरेशन पंजा भारी है मतलब पंजे ने लोटस को वो रौंद दिया है इस तरह गिरफ्त में ले लिया, गिरफ्त में ले लिया है। शर्मा जी मतलब फ्लो टेस्ट के लिए मतलब पार्टी तो पूरी तरह से तैयार है और विपक्ष को कह लिया तैयार है, जब भी फ्लो टेस्ट होगा दो से बढ़ के ज्यादा आएंगे वहाँ। तो मतलब आपकी भी तैयारी पूरी है जिस तरह से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे पास भी 9 से 11 विधायक के संपर्क में है, तो मतलब आप लोगों ने मुख्यमंत्री जी ने वो कभी ये नहीं देखा कि पक्ष का विधायक है विपक्ष का, सबके काम किए पूरी ताकत से, एक एक को जो मांग थी विधायक की जी जी उस मांग को उन्होंने पूरा किया जी। बहुत शुक्रिया शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।